फरीदाबाद की ओल्ड विधानसभा में पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने पैदल तिरंगा यात्रा निकालते हुए लोगों को हर घर तिरंगा लगाने की अपील की। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे विपुल गोयल के आह्वान पर हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर तिरंगा यात्रा में अपना सहयोग किया। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री ने ये बताया कि इस बार 15 अगस्त को लोग पर्व की तरह मनाएंगे और हर घर तिरंगा लगाकर पूरी दुनिया में एक संदेश देंगे। पलवल के कुलसीपुर गांव में गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता के देरी से पहुंचने की वजह से गौरव यात्रा घंटों देरी से निकाली गई। इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तिरंगा झंडा हाथ में लेकर भारत माता के नारे लगाते हुए शिरकत की। इस अवसर पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। वहीं इस गौरव यात्रा में कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी किन्हीं कारणों की वजह से शामिल नहीं हुए। अम्बाला रेलवे स्टेशन पर विभाजन विभिषिका दिवस पर एक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस कार्यक्रम में अम्बाला से सांसद रतनलाल कटारिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में अम्बाला रेल मंडल के डीआरएम सहित कई रेल अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर विभाजन का दर्द झेल चुके कुछ लोगों को भी बुलाकर सम्मानित किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में पहले दिल्ली और फिर पंजाब में आप पार्टी ने जो वर्चस्व कायम किया है और अब आम आदमी पार्टी दक्षिणी हरियाणा में भी संगठन और पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक युवाओं और आम जनता को जोड़ने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आपके जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने रेवाड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। उन्होंने कार्यकर्ताओं और लोगों से कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। पलवल में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज लेने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराल पक्ष के लोग महिला को दहेज के लिए परेशान करते थे, जिसके चलते महिला ने एक कदम उठाया। सिरसा के गांव सुचान में दो पक्षों में विवाद हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची तो कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की तीन गाड़ियों के शीशे टूट गए, जिसके बाद पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक लापता मेटल व्यापारी की लेन देन के चलते गला घोंटकर हत्या कर दी गई। 50 वर्षीय मंगत अरोड़ा मेटल व्यापारी पिछले एक हफ्ते से लापता था। उसका शव मेटल भट्टी में मिट्टी के नीचे दबा मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।